ट्रेलर लॉन्च हुआ है और बहुत एक्साइटमेंट है. सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ऐसा लग रहा है मैंने फिर से जन्म लिया है. मेरी जिंदगी में एक वापस एक नया दौर शुरू हो रहा है और ये चीज़ आपके बर्थडे पे हो सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड यू आर लुकिंग लाइक अ क्वीन एंड अ प्रिंसेस. थैंक यू सो मच. खास ड्रेस पहनी है आज आपने लगता है. हाँ मैं ऐसे मतलब इतने ग्लिटरी कपड़े पहनती नहीं हूँ आपको पता है. पर आई जस्ट थॉट कि अभी कुछ नई अंकिता बन के मतलब निकला जाए. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. रियली आपने अपने आप को री इन्वेंट कर लिया, रीवैम्प कर लिया मेरे ख्याल. आई डोंट नो, ये तो आप ही बता सकते हैं. अब मैं अलग लगने लगी हूँ तो मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं. लेकिन आई होप कि आप सबको मेरा लुक अच्छा लग रहा है. आज हमने आपको ट्रेलर लॉन्च पे देखा जी. एक अलग ही एंथुजियाज्म, एक अलग ही चार्म था आपके और एक खुशी थी आपके मन में. मुझे ऐसा लगता है कौन खुश नहीं होगा, इतनी बड़ी चीज़ किसी के साथ होगी. आई मीन यू नो मणिकर्णिका जैसी फिल्म का एक छोटा हिस्सा भी होना बहुत बड़ी चीज़ होगी क्योंकि द वे फिल्म इज़ गोइंग राइट नाउ एंड यू नो सारी लोगों से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका मैं अगर एक छोटा सा भी हिस्सा होती तो ये तो झलकर ही भाई है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन एंड आई एम होपिंग दैट जो मेरा कैरेक्टर है, जो हमारी फिल्म है मणिकर्णिका, वो सबको बहुत पसंद आए. आज आपका जन्मदिन पे किस किस को बुलाया आपने? बहुत सारे लोग आ रहे हैं. आपके लिए बस सरप्राइज है, आप देखते रहिए आपको पता चल जाएगा. रानी लक्ष्मी बाई आ रही है. आप इस पर थोड़ा विचार मतलब आप थोड़ा वेट करिए आपको पता चल जाएगा. एक चीज और, क्या गिफ्ट मिला है और क्या चाहेंगी आप अपार्ट फ्रॉम द ट्रेलर, अगर आप बताना चाहें. सी ट्रेलर ऐसी चीज़ है जो जो ट्रेलर जो गिफ्ट मुझे कमल सर ने दिया है, मैं इतना कहना चाहूँगी. कमल जय जो हमारे प्रोड्यूसर है, उनकी वजह से ये मुझे चीज़ मिली है और उनकी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को एक गिफ्ट दिया है. बिकॉज आई कैन सी द हैप्पीनेस कि मेरी मम्मी पापा आज की डेट में कितने खुश है व्हेन दे सॉ मी ऑन अ बिग स्क्रीन यू नो दिस. ये जो चीज़ थी ट्रेलर, तो ये इससे बड़ी चीज़ खुशी इतने ये गिफ्ट मैंने अपने मम्मी पापा को दिया है. मुझे अब कुछ नहीं चाहिए. आई एम हैप्पी टू सी देम हैप्पी, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अंकिता आपको याद है आपको कहा जाता था कि आप टीवी पे मधुबाला जैसे आप ही बोलते थे. तो वो कायम है, फिल्मों में भी कायम रहेगा आपका जो कब्जा कर लेंगे आप फिल्मों. आपको क्या लगता है, आप बताइए, वोट कीजिए. वो टैलेंट है आप में, लेकिन आपको लगता है इंडस्ट्री को भी आप फिल्म इंडस्ट्री में भी उतना ही प्रभावशाली. मुझे ऐसा लगता है टैलेंट अगर है तो सब निकल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं निकलूंगी. फिर यही जो भी होगा देखेंगे. लेकिन मन में इच्छा क्या है आपके? नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरा कंप्लीट क्लाइमेक्स चल रहा है. क्लाइमेक्स क्या है, बोलो जल्दी बोलो. हाँ मैं बोल रहा था मन में क्या है आपकी, क्या चाहती हैं और क्या कर गुजरना चाहती हैं? मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. बस बाय. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. वो गाड़ी रुकाई ना, गाड़ी गाड़ी के साथ गाड़ी गाड़ी सोबर तेरा पीछे है सुजीत. होल होल ना बात बात. हे ए दीपक गाड़ी रुका के रख. अरे गाड़ी रुका के रख भाई. काय चालले अंकिता जी समोर बघा. अंकिता रे थांबेल. हां हां अंकिता मॅम याले. मॅडम समोर बघा तुमचे. अरे अभी से हैप्पी बर्थडे केलो मॅडम जी समोर. एक मिनिट थांबा जरा. मैडम समोर. ओके थैंक यू. मामू बैठ लो बैठ लो. बाइक 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 बाइक. हाँ अंदर यार.
Thank you. पीछे तुम है, वो आ गया। कौन मार रहा है पीला लाइट भाई? देख रहा है कैसा? पीला लाइट कौन मार रहा है भाई? ओ दादा तेरा पीछे आओ ना। मैम वेट वेट। भाई पीछे आओ ना थोड़ा। एक्शन लाइट एक्शन लाइट। या हुआ क्या? ओ दादा हुआ क्या आपका? अभी तो कूड़े में मरता हूँ। कूपरिम ना। मैम या मैम यार भाई फोटो नहीं चाहिए फोटो किसी को नहीं चाहिए। थैंक यू थैंक यू थोड़ा डाउन का ये सर रुकिएगा चल जाओ अंदर अंदर चल लेकिन जल्दी कर देना क्योंकि ये रास्ता देख ना मेरे आगे बेटा खाना हो गया ना अरे ये तो गलत हो गया फिर एकदम Happy birthday to you.
कल का दिन क्या प्लानिंग है वो रिवील करना चाहेंगे आपके फैन के लिए? कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप लोगों ने वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है. सो थैंक यू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग एंड मेकिंग माय दिस नाइट वेरी ब्यूटीफुल. क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज का, क्योंकि आज के दिन मेरी पहली फिल्म का डेब्यू फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है जो है मणिकर्णिका. और झलकरी बाई का कैरेक्टर लोगों को बहुत अच्छा लगा. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरी वन जिन लोगों को ये चीज़ पसंद आई है. तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है. आपने वैसे ही बहुत बड़ा बना दिया है. बट हाँ, कल जहाँ तक का कल का सवाल है, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं. मैं हर साल थोड़ा ओल्ड एज होम जाती हूँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है जाना. हर साल आई यूजुअली गो देयर
फॉर माई बर्थडेज. सो शायद मैं कल वहाँ पर जाऊँगी. और भगवान के मंदिर जाते हैं हम लोग और कुछ थोड़े अच्छे काम करने होते हैं वो एक दिन में, तो मैं शायद कुछ अच्छे काम करूँ. ओके, जैसे कि आपने कहा कि आज आपकी ट्रेलर लॉन्च है, कल आपका बर्थडे, तो ये कोइंसिडेंस है कि पर्पसली आज ही आपके बर्थडे के लिए? आई एम शॉक्ड एंड आई एम सरप्राइज्ड बेसिकली, बट आई एम हैप्पी दैट यू नो ये मेरे बर्थडे के दिन ही होना था, क्योंकि मैं ये चीज़ शायद डेस्टाइन थी कि जैसे मेरी फिल्मों में मेरा एक नया जन्म हो रहा है, जहाँ पहली फिल्म है मेरी, ये नया बर्थ है मेरे लिए उस इंडस्ट्री का, और वैसे ही मेरा बर्थडे आया है. सो मेरे लिए इट्स 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 मोर लाइक अ डेस्टिनी, शायद मैं बनी थी इसी के लिए और आज मैं वहाँ पर हूँ. ओके, एनी मेमोरेबल एक कोई बर्थडे जो आपने बहुत ही धमाल मस्ती की हो जो शेयर करना चाहिए? मैं हर बर्थडे अपना बहुत धमाल से मनाती हूँ, चाहे मैं घर पे मनाऊँ चाहे मैं कहीं भी बनाऊँ, मेरा हर बर्थडे धमाल है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मज़ा आता है लोगों को इनवाइट करना, उनके साथ बातें करना. इट्स मी, इट्स दिस इज व्हाट आई लव अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है. सो आई गेस मेरा हर बर्थडे बहुत अच्छा बना, बट दिस इज़ वेरी 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 स्पेशल फॉर मी, क्योंकि एज आई सेड कि मेरा डेब्यू फिल्म है और बहुत बचपन से ये सपना देखा था कि मैं ये करूँगी. सो आई एम डूइंग इट एंड आई एम ग्लैड. मुझे ऐसा लगता है सारे रिव्यूज जितने भी हम लोगों के पास आते हैं वो बहुत दिल से आते हैं, क्योंकि जब कोई भी लोग कोई इंसान उस चीज़ को देखता है तो वो बहुत शिद्दत से देखता है, और जब वो एक इंसान आपको सिर्फ एक दिल भी भेजता है ना, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो जितने आज के डेट में मुझे रिव्यूज आए हैं वो हर एक रिव्यू मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि सब लोगों का प्यार हम लोगों को मिला. अब मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट फीमेल ड्रिवन कैरेक्टर और समथिंग, इट्स अबाउट झांसी की रानी, इट्स अबाउट लक्ष्मी बाई. आई थिंक हम सब जानते हैं ये हिस्ट्री में है कि रानी लक्ष्मी बाई कौन थी, मणिकर्णिका कौन थी. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो फीमेल ड्रिवन फिल्म और समथिंग लाइक, इट्स नॉट स्पेसिफिक अबाउट कुछ बनाई गई है उनको लेकर, ये हिस्ट्री है हमारी, हिस्ट्री पहले से औरतों के साथ रही है, मतलब हमारी हिस्ट्री में अगर रानी लक्ष्मी बाई है तो इट्स बिग, हर जगह औरत रही है आई गेस. तो अब बस हम दिखा रहे हैं लोगों को, शायद भूलते जा रहे हैं लोग कि ये सारी चीज़ें भी हमारे इंडिया में होती है, ये ब्यूटीफुल हिस्ट्री हमारे इंडिया का पार्ट है. सो आई थिंक वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग इट अगेन, और आई होप कि ये बच्चों को बहुत पसंद आए, सारे लड़कियों को, जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं वो ये देखें, जिनको एक अलग तरीके का यू नो एजुकेशन मिलेगा शायद इस फिल्म को देख कर. मुझे उनका डांस बहुत पसंद आता है, पहली बात आई लव हर डांसिंग, और वो कौन नहीं पसंद आता. तो मुझे उनका सबसे अच्छा, शी इज वेरी फ्लॉलेस, मतलब उनमें कुछ कमी नहीं है अगर आप माधुरी दीक्षित को देखें तो. एंड आई जस्ट फील दैट आई शुड बी लाइक हर, आई एम नॉट लाइक हर, आई एम नॉट सेइंग आई एम लाइक हर, आई वांट टू बी लाइक हर. Okay, ma'am, are you happy with your debut, with the response you are getting? Yes, I am absolutely happy with the response I'm getting it. It's not a lead film, but it's a powerful character what I'm playing and I'm very proud of it. Okay, Kangana ji ke saath kaam karke kaisa laga? She's a very hardworking, focused. She's a hardworking, she's too hardworking and I'm also very hardworking. So I think hamara match hi wahi hua jahan pe hum dono itne hardworking the, we were into our scenes, we were into our characters. So that's really beautiful. Okay, Ankita ma'am kehti thi agar 12 bajne jab bhi birthday hota hai kuch mangte hain shikhne se dil se to puri hote, to ek wish kuch mangna chahenge aap? आज बर्थडे है आपका स्पेशल दिन. मैं सिर्फ इतना ही मांगना चाहूंगी कि मैं सिर्फ खुश रहूं, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मैं सिर्फ खुश रहूं. अंकिता जी, क्योंकि डेब्यू है आज आपका, डेफिनेटली आज आपका बर्थडे भी है, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, पर आज से अपने बॉलीवुड में आप एंट्री की है, बॉलीवुड फिल्म में आने वाले दिनों में कौन कौन से एक्टर के साथ में हम आपको देखेंगे? मुझे नहीं पता, ये तो आप देखेंगे, ये तो सवाल ही नहीं है, मैं जिसके साथ काम करूंगी सब देख लेंगे. कोई फेवरेट है आपका, जिनकी फिल्में आप देखती हैं, जिनकी बहुत बड़ी फैन है? ऐसा नहीं है, सारे अपना अपना टैलेंट लेकर चल रहे हैं आजकल, तो सभी टैलेंटेड है. इफ यू सी द वेब सीरीज यू नो एवरीबॉडी इज सो गुड, बट आई रियली लाइक राजकुमार, I like Vicky Kaushal, they are super talented and they are good as an actor. This is my personal choice. So
Yeah, I would love to work. Ma'am, aapka transition TV se film mein hua hai. Whenever you come on a Bollywood set, to butterflies hoti hai stomach mein. Kaise mujhe treat kiya jayega? Nahi, mujhe aisa lagta hai ki sirf mujhe aise kabhi wo cheez nahi rahi ki mujhe kaise treat kiya jayega. I've always been very normal, very theek hai. Hamara kaam karo aur ghar jao. I've always been that way. But I've been blessed that I've been meri pehli film mein ghar ki film kar rahi hu kyunki Mr. Kamal Jain is my brother. And you know, mere liye kabhi aise nahi hua ki mujhe kaise treat kiya jayega. Always got that special attention क्योंकि मैं कमल जैन की बहन थी, so I'm lucky and I'm very happy wherever I am positioning right now myself. My birth, that's what I said. My birthday wish is only to be happy forever, no matter what happens, but I should be happy. Ma'am, last message would want to like to give to the fans. Already they have started wishing. I just want to tell every single fan of mine, and no, if they're not my fan also, but they wish sometimes, that thank you for being there. Thank you for being a, you know, they are my strength. They are genuinely my strength. Because when we are low, and when they, you know, give, they boost you with their messages. You know, they give you that strength. That Ankita, we are there for you. So I'm thankful and thank you so much for loving me. Jalkari bhai ka dialogue ho sakta? No, no, no. Wo nahi ho sakta. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. Bol rahe, bol rahe.